हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के दिन का आगाज भी होता है फ्रोजन पराठों के साथ। सबसे पहले मैंने नाश्ता किया, चाय चढ़ा दी, पराठा ले लिया, और आज नाश्ते में मैंने अंडा नहीं खाया क्योंकि आज नाश्ते में मलाई आई थी तो मैंने मलाई खाई थी। और एक बात बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच आप जितने भी लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम जैसिका व्लॉग के नाम से है। प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ माय टिकटॉक फैमिली, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ साथ जो है मैंने दाल चढ़ा दी थी क्योंकि आज मैंने बनानी थी चिकन दाल और चावल। और साथ में मैंने एक एम्प्टी बॉक्स ले लिया था जिसके लिए मेरे जो भी थोड़े बहुत मसाले रह गए थे मैंने उनको उसमें सेव कर लिया था क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत ईजीली मिल जाती हैं, इधर उधर शॉपर्स में पड़ी हों तो बहुत मसला होता है ढूंढने का। और साथ साथ फिर मेरा ये काम हो गया था तो मैंने ये साथ में जेल फूड कलर भी रख लिए थे, मेरी सफाई भी हो गई थी और फिर मैंने दाल चढ़ा दी थी। दाल मैंने चढ़ाई ऐसे कि साथ ही मैंने टमाटर प्याज डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और फिर उसको ढक, साथ में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था, टमाटर ऐड कर दी थी, चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे, कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया था और सॉल्ट ऐड कर दिया था, और लास्ट में मैंने चिली पाउडर ऐड कर दिया था, रेड चिली पाउडर। साथ में मैंने चिकन ऐड कर दी थी और साथ ही साथ मैंने चावलों को भगो दिया था। फिर जैसे चिकन हुई तो मैंने इसको निकाल के उसकी जो हड्डी थी उसको रिमूव कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया और चिकन को जो है श्रेड कर दिया। और साथ ही साथ मैंने दाल को जो है वो अलग से निकाल के ग्राइंडर में जो है उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, साथ नॉर का चिकन स्टॉक ऐड कर दिया था एक क्यूब। इसके साथ ही इसको घुमा कर अच्छे से पेस्ट बना कर दोबारा से देछी के अंदर मैंने उसको ऐड कर दिया था और बाद में मैंने इसको गाढ़ा कर लिया था। और साथ ही साथ जो है मैंने इसमें ग्रीन चिली डाल दी थी और फिर एंड में लास्ट में मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी थी जब ये गाढ़ी हो गई थी। तो और उसके बाद जो है मैंने राइस बना लिए थे, मैंने प्याज डाले हैं, प्याज को अच्छे से फ्राई किया और उसके बाद जो है पानी बॉयल होने के